2009 में रिलीज हुई अवतार वर्ल्ड ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $2.9 बिलियन। इस मूवी की लोकप्रियता 3D टेक्नोलॉजी की पॉपुलैरिटी को भी काफी ज्यादा बूस्ट किया था। सोनी, एलजी जैसे जायंट्स तब तक 3D टीवीज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए उतर चुके थे और इनिशियली उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक एक करके हर एक 3D टीवी मैन्युफैक्चरर को मार्केट से निकलना पड़ा, जानेंगे इस वीडियो में। जिन विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे वो है, क्या 3D टीवी सच में फेल हो चुका है, और अगर फेल हो ही चुका है तो उसका कारण क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या आप अभी भी यानी कि 2023 में भी एक 3D टीवी खरीद सकते हैं, और अगर खरीद सकते हैं तो उसके लिए आपको कितना प्राइस पे करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि 3D टीवी मैन्युफैक्चरर्स मार्केट को समझने में असफल रहे, एंड यस 3D टीवी हैज फेल्ड। आज लोग स्मार्ट टीवी, प्लाज्मा टेलीविजन और 4K डिस्प्ले की तो बात करते हैं, लेकिन 3D टेलीविजन का बात कोई नहीं करता। 3D टीवीज फेल हुए क्योंकि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा था। दूसरा कारण, 3D टीवी में कंटेंट देखने के लिए जो ग्लासेस चाहिए होता है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होते थे और उनका भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा था। रीज़न नंबर 3, स्मॉल 3D टीवीज में हाई क्वालिटी 3D एक्सपीरियंस रेप्लिकेट कर पाना पॉसिबल नहीं था। और आखिरी कारण ये है कि 3D टीवीज के लिए ज़्यादा 3D कंटेंट भी अवेलेबल नहीं था। इन सारे वजहों से मार्केट में कभी 3D टीवीज का डिमांड बन ही नहीं पाया, और फिर धीरे धीरे मैन्युफैक्चरर्स ने भी इनके ऊपर काम करना बंद कर दिया। अब सवाल ये बनता है कि क्या आप अभी भी एक 3D टेलीविजन खरीद सकते हैं, तो मुझे लगता है नहीं। रिसर्च के दौरान फ्लिपकार्ट में मैं एक 65 इंची सोनी ब्रेविया टीवी देख रहा था, जिसके Q&A सेक्शन में किसी ने पूछा था कि क्या ये 3D एनेबल्ड है, तो एक सर्टिफाइड बायर ने इसका आंसर यस दिया था। इसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी मुझे 3D इमेजेस नाम का एक फीचर मिला था, जहां पर ये लिखा था, वॉच 3D एनिमेटेड मूवीज इन ब्लूरे टीवी ब्रॉडकास्ट एंड वेब वीडियोस विथ फाइन 3D इफेक्ट ऑन दिस ब्रेविया टीवी। एवरी विजुअल डिस्प्लेड हियर इज शार्प, क्रिस्प एंड इम्प्रूव्ड। लेकिन ये 3D इमेजेस के बारे में लिखा गया है, मुझे लगता नहीं है कि ये 3D टेक्नोलॉजी को डिनोट कर रहा है। सोनी इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी 3D टीवीज का एक पेज है, जहाँ पे बस 3D टेलीविजन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कोई प्रोडक्ट उसमें मेंशन नहीं है। फिर भी अगर आप 65 इंची सोनी ब्रेविया 4K टीवी का कंसिडर करना चाहते हैं तो उसका फ्लिपकार्ट लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रोडक्ट प्राइस तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कोई ऐसा 3D टीवी होगा जैसे हम सोच रहे हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने नियरेस्ट सोनी शोरूम में जाकर इस टीवी के बारे में डिटेल से पता करें, और उसके बाद ही अपना बाइंग डिसीजन बनाएं। 3D टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी चलता हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।